नमस्कार दोस्तों, केके न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, सालों पुराने 40 फीट गहरे कुएं से अचानक आने लगी आवाजें, पास जाकर देखा तो हैरान रह गए लोग। मुंगेर के आरडी एनडीजे कॉलेज कैंपस के पास रहने वाले लोग उस समय हैरान और परेशान हो गए जब उन्हें 40 फीट गहरे सूखे कुएं से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने पास जाकर देखा तो कुएं में एक लड़का गिरा हुआ है और मदद के लिए आवाज लगा रहा है। खबर के मुताबिक सादीपुर बड़ी दुर्गा स्थान निवासी सोनू कुमार चौरसिया अपने 13 साल के बेटे अभिषेक कुमार के साथ रोज सुबह टहलने के लिए कॉलेज कैंपस जाते हैं। रोज की तरह दोनों सुबह करीब 5:30 बजे टहलने के लिए गए। पिता कॉलेज कैंपस से टहल कर आ रहे थे, तभी अभिषेक कैंपस में लगे फूल को तोड़ने के लिए पेड़ की डाली पर चढ़ा, जिसके बाद डाली टूट गई और वो 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया। अभिषेक की आवाज सुनकर आसपास के लोग कुएं के पास पहुंचे। कुएं में गिरा अभिषेक अपने पिता को आवाज दे रहा था, जिसके बाद घटना की जानकारी लोगों ने तुरंत पुलिस को दे दी। स्थल पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव दल ने आधिकारिक रस्सी से कुएं में गिरा अभिषेक अपने पिता को आवाज दे रहा था जिसके बाद घटना की जानकारी लोगों ने तुरंत पुलिस को दी स्थल पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव दल ने आधिकारिक रस्सी के सहारे जब कुएं में उतरे तो वहां ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह रस्सी के सहारे बच्चे को बांधकर वापस बाहर निकाला। राहत बचाव दल की टीम के सदस्य राजा सहानी और जितेंद्र सहानी ने बताया कि 40 फीट गहरा कुआं सूखा हुआ था। जब कुएं में प्रवेश किया गया तो वहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी और हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण बच्चे को निकालने में देरी हुई। वहीं डॉक्टर रोशन कुमार का कहना है कि बच्चे के शरीर पर और सिर पर चोटें आई हैं। 40 फीट कुएं में गिरने और 2.5 घंटे रहने के कारण बच्चा घबरा।